फ्रेंड्स दिस इज माय नेटवर्क डायग्राम R1 R2 R3 स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 और साथ में स्विच 1 के नीचे दो कंप्यूटर स्विच 2 के नीचे ये एक सिंगल कंप्यूटर और स्विच 3 के नीचे एक ये वाला सिंगल कंप्यूटर ठीक है अब देखो यहां पर दोस्त पहली बात तो ये जो है ना सीरियल पोर्ट्स राइट जब भी मैं दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं राइट Whenever I'm connecting the two routers together, the only recommended way is to connect them through a serial port. ठीक है? दो routers को जब भी आप आपस में connect करना चाहते हो ना, तो हमेशा हमें serial port के through connect करना चाहिए. क्यों? उसका कारण क्या होता है? देखो दोस्त, OSI model हमने देखा है ना? OSI model में on the data link layer it adds one thing which is MAC address information, right? Now, friends, you know what? Serial links के through router 1 से router 2 जाते हुए MAC address की information कभी भी flow नहीं करेगी. ये जो दोनों computers है ना, this computer and this computer, right? इन दोनों computers को एक दूसरे का तो MAC address पता होगा, लेकिन इस computer A को कंप्यूटर बी का तो मैक एड्रेस पता है दिख रहा है ना ये दिख रहा है लास्ट में लेकिन ए को कंप्यूटर सी या कंप्यूटर डी का मैक एड्रेस कभी भी नहीं पता लगेगा कंप्यूटर बी को भी कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस पता है लेकिन सी और डी का कभी नहीं पता लगेगा क्योंकि ये लोग सीरियल के थ्रू कनेक्टेड है ठीक है अगर यही राउटर्स फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड होते फास्ट इथरनेट मतलब ये जो लिंक्स कनेक्टेड है जो लैन वो लैन लैन केबल देखी है आपने ये सब क्या है फास्ट इथरनेट केबल है एक तरह से ठीक है हम इनको ये जो लैन केबल्स है ना दोस्त लैन केबल्स हमेशा कहां लगती हैं या तो फास्ट इथरनेट पोर्ट में या तो फास्ट इथरनेट के पोर्ट में या फिर गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट में ठीक है क्यों बिकॉज फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट को हम लोग बोलते हैं क्या लैन पोर्ट्स ठीक है फास्ट इथरनेट पोर्ट्स एंड गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स आर कॉल्ड लैन पोर्ट्स वेयर एज द सीरियल पोर्ट्स आर कॉल्ड वैन पोर्ट्स ठीक है फास्ट इथरनेट और सीरियल को बोलते हैं क्या लैन पोर्ट्स एंड द This serial ports are called WAN ports. ठीक है? अब देखो, तो दोस्त WAN ports के through ना कभी भी MAC address की information flow नहीं होती है, ठीक है? तो this router 1 and router 2, if they are connected via fast ethernet, then might be they know the MAC address, right? But might be I'm saying. But by default they don't know, right? Whichever they way you connect, it doesn't matter. राइट अब देखो यार यहां पर ना मैं डिफरेंट आईपी एड्रेसेस दूंगा रेडी फॉर दैट चलो सबसे पहले तो इस कंप्यूटर को आई एम गोना गिवन आईपी एड्रेस 1.1.1.2 1.1.1.3 डू वी नो के व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है बताओ क्या राउटर्स अननोन नेटवर्क को अप्रोच करने के लिए ओके गुड आंसर अपने नेटवर्क एरिया से बाहर जाने के लिए हां ये परफेक्ट आंसर है अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए मैं जिस रास्ते से जाऊंगा देखो यार ये जो है ना क्लासरूम C2 में हम लोग बैठे हैं राइट C2 का ये गेटवे है जहां से मैं बाहर जा सकता हूं दिस इज द गेटवे फॉर C2 बट इस डिफॉल्ट गेटवे दैट मींस जहां से मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकलूंगा वो बिल्डिंग का मेन गेट है कि नहीं है तो फ्रेंड्स दैट वुड बी कॉल्ड द डिफॉल्ट गेटवे क्लियर देखो मैं मानता हूं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक नेटवर्क है ठीक है तो इस पूरे नेटवर्क में ही अगर मैं कहीं भी जाना चाहूंगा तो ये तो इंटरनल गेट से सारे है ना लेकिन डिफॉल्ट गेटवे विल बी जहां से मैं इस पूरे नेटवर्क से बाहर जाऊंगा पूरी बिल्डिंग से बाहर जाऊंगा मैं इस नेटवर्क से बाहर जाऊंगा मेन गेट से हां के ना बस तो देखो दोस्त बोथ ऑफ दीज कंप्यूटर्स 1.2 1.1.1.2 एंड 1.1.1.3 Both of these computers, जब भी ये लोग ये देखो दोस्त ये पूरे का पूरा ये चीज ये क्या है
नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है? लैन। व्हाट इज लैन यार? वो तो वही बात बता रहे हो कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लैन की फुल फॉर्म क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि लैन क्या होता है। हाँ, मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द सेम नेटवर्क आईडी, ठीक है? नेटवर्क आईडी याद है ना? अब देखो दोस्त, ऑल ऑफ दीज कंप्यूटर्स दे ऑल आर इन अ लैन बिकॉज कंप्लीटली हेयर आई हैव अ सिंगल नेटवर्क रनिंग, ठीक है? तो अगर ये सेम नेटवर्क है तो क्या मैं बोलूं कि यहां पर मैं आईपी एड्रेस मेरे को 1K नेटवर्क का ही देना पड़ेगा कि नहीं? तो दोस्त आई विल गिव द आईपी एड्रेस 1.1.1.1। एनी डाउट? द नेटवर्क वुड बी 1.1.1.0/24। एग्री और नॉट? /24 मीन्स विच क्लास? सी क्लास /8 मतलब क्लास ए। Why? Because 8 bits are reserved for the network. हाँ है ना? Class B में 16 bits are reserved for the network, right? So class B को दिखाने के लिए I will write /16. अब class C में we have 24 bits for network. तो class C को दिखाने के लिए I will write /24. Any doubts? So which class is that? Very good. Now here let me have an IP address 2.2.2.2. And here the gateway is 2.2.2.1. This network is again 2110/24. Any doubt? Let it be 3331 3332. So the network is? Any doubt? Very good. Ab dekho dost, router 1 and router 2 are connected with each other or not? So friends, let me give an IP address from router 1 to 2. Let me give a network of 12.1.1.0/24. मतलब 12.1.1.1 यहाँ पर है, 12.1.1.2 यहाँ पर है। भाई router 1 से 2 जा रहा हूँ तो 12 दे सकता हूँ ना मैं? मतलब देने तो कहता कुछ भी दे सकता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बनाने के लिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि router 1 से router 2 जाते हुए 12 का नेटवर्क है, router 2 से router 3 जाते हुए 23 का नेटवर्क है, राइट? From router 1 to router 2, the network ID of 12. And from router 2 to router 3, network ID of 23. Any doubts? Sure, clear to all? Very good. Let me give here 23110/24. यहाँ पर है 23111 23.1.1.2. कोई शक? सबको clear? Very good. MAC address के बारे में याद है? लेट से इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है 0A, लेट से इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है 0B, लेट से इसका मैक एड्रेस है AB। यार रुक जाओ, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं। 0A 0B इसका मैक एड्रेस हो गया, फिर AB। कोई शक? इसका मैक एड्रेस मैं दे देता हूं, मान लो 1A दे दूं। इसका मैक एड्रेस देता हूँ 2A दे दूं। yes, इसका मैक एड्रेस फास्ट इथरनेट हो तो मैक एड्रेस होगा ना भाई? yes, इसका मैक एड्रेस है मान लो CD और फास्ट इथरनेट इस वाले का मैक एड्रेस मान लो EF। कोई शक? याद रखना एक बात, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स का एंड गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स का, मैं गीगाबिट पोर्ट्स को गीगी पोर्ट बोल देता हूँ, तो फास्ट इथरनेट गीगी पोर्ट्स का मैक एड्रेस होता है लेकिन सीरियल पोर्ट्स का मैक एड्रेस नहीं होता है। याद रखना इस चीज को हमेशा, ठीक है? ठीक है, फास्ट इथरनेट और गीगाबिट पोर्ट मतलब लैन पोर्ट्स का तो मैक एड्रेस होता है लेकिन भाई ओवर द वैन, सी सिंपल सी बात है, इनसाइड द लैन राइट मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन फ्लोज इन द लैन, यस और नो? स्विच की वर्किंग में देखा था ना हमने, अपने नेटवर्क के अंदर लैन इंफॉर्मेशन फ्लोज ना, बट जब भी मैं वैन पोर्ट से बाहर जा रहा हूं मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जा रहा हूं वैन पे, वैन के वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है ना? yes, भाई मैं अपने कंप्यूटर से google.com खोल रहा हूं तो क्या मैं गूगल सर्वर के पास नहीं जा रहा? yes, लेकिन मैं गूगल सर्वर के पास जा रहा हूं, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे गूगल का मैक एड्रेस पता लग गया? yes, नहीं ना, गूगल का मैक एड्रेस हमें पता नहीं लगता ना यार। बस तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वैन पोर्ट से कभी भी मैक एड्रेस फ्लो नहीं करता,
तो जब वैन पोर्ट से मैक एड्रेस फ्लो ही नहीं करता तो फिर वैन पोर्ट का मैक एड्रेस देने का फायदा क्या है? कोई सेंस बनी इस चीज की? दूर दूर तक कुछ सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दूर दूर तक क्या कोई सेंस बनी? सीरियल पोर्ट्स को, वैन पोर्ट्स को मैक एड्रेस की जरूरत नहीं है। IPv6 में होती है, वो बात अलग है। IPv6 के बारे में जब टाइम आएगा बात करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, चलो। हाँ, स्विच पोर्ट के हर इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है, हर एक स्विच पोर्ट का मैक एड्रेस होता है। क्या है? आगे हो तू, आगे नू हो जा किसे बोर्ड पे बज गई फिर बजलो होया। इसमें 1.0.0/24 की है, इसमें हमको इनके तब कैसे बता कि नेटवर्क, भाई नेटवर्क मैंने दिया है ना, मेरी मर्जी में कुछ भी नेटवर्क दो, ये थोड़ी है कि आपको कैसे पता लगा नेटवर्क कहाँ से आया। नेटवर्क अपने हवा में थोड़ी आया है, या फिर कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि इस कंपनी को यही नेटवर्क यूज करना है। कोई भी कुछ भी नेटवर्क कर सकता है। मैं पर्सनली ये वाला नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। राउटर 1 के लैन में 1 का नेटवर्क है, राउटर 2 के लैन में 2, 3 के लैन में 3, ठीक है, 1 से 2 में 12, 2 से 3 में 23। देखो मुझे समझाने में बस कर, मुझे ये समझाने में भी कोई इशू नहीं है। मैं अगर इसको और कॉम्प्लेक्स बना के समझाऊंगा तब भी मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझने में इशू हो सकता है, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल नेटवर्क बना के समझा रहा हूँ। आई होप इट्स फाइन। चलो अब देखो इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा, ऑल द थिंग्स वी नीड टू डिस्कस वन बाय वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड वी विल रीच एट द एंड। रेडी फॉर दैट? यस सर। गुड, लेट्स स्टार्ट इट अप। सबसे पहले हाउ द थिंग्स विल गो, भाई इस कंप्यूटर ने क्या लगाया, लेट्स से जैसे ही ये नेटवर्क में कनेक्ट हुए हैं, याद है ग्रेशियस सर? यस सर। क्या होगा बताओ फिर? सोर्स आईपी ये कंप्यूटर लगाएगा किसकी? अपनी खुद की आईपी एड्रेस 1.1.1.2। डेस्टिनेशन आईपी वुड बी 1.1.1.2, सोर्स मैक वुड बी 0A, डेस्टिनेशन मैक वुड बी। अब देखो दोस्त, पता है क्या होता है, सबसे पहले तो ना ये वाला कंप्यूटर डेस्टिनेशन मैक उसको नहीं मालूम, तो वो क्या लगाएगा 0000000000000, ठीक है। लेकिन अब एक बात है कि दोस्त, पहली बात तो उसको लगाना पड़ा क्यों, उसको क्यों लगाना पड़ा, समझना इन चीजों को, ये चीजें बहुत जरूरी है जो मैं अभी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ठंडा सा पानी नहीं है भैया, हाँ, सबसे पहली बात तो क्या, देखो कि भाई जैसे ये कनेक्ट हुआ है ना, ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत सारे इसमें चीजें हैं जिसको ध्यान से समझना, लिखने विखने में टाइम खराब मत करना, और प्लीज आज ही घर जाकर इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, आज ही, वरना कंफ्यूजन रहेगी हमेशा, इसकी याद रखना चाहिए। अब देखो, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये वाला कंप्यूटर क्या करेगा, सोर्स आईपी अगर डेस्टिनेशन आईपी में, अगर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, किसी भी चीज को अगर ये खाली छोड़ता है, ठीक है, ठीक है, और साथ में एक चीज और होती थी, वो क्या होती थी, टाइप वैल्यू। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक एंड टाइप वैल्यू, यही पांच चीज होती बताई थी ना मैंने OSI मॉडल के हिसाब से। तो दोस्त अगर इन पांच में से एक भी चीज मिसिंग है, एक भी सिंगल चीज मिसिंग है, तो डिवाइस कभी भी डेटा को फिजिकल मीडिया पे पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब पता है क्या हुआ, हाँ, फिजिकल मीडिया क्या होता है, वायर, इट वुड बी वायरलेस, राइट दोस्त। जब तक अकॉर्डिंग टू OSI मॉडल इफ एनी वन ऑफ दीज फाइव फील्ड्स इज एम्प्टी, राइट, I cannot put the data on the physical media. Getting me? Yes, sir. अब इसीलिए मुझे ये पांचों की पांचों चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले तो भाई कंप्यूटर लगाएगा यहाँ पर डेस्टिनेशन में 0000, लेकिन यार 0000 से चीज आगे नहीं जाती होती, ठीक है, 0000 से चीज आगे नहीं जाती होती। उसको आगे ले जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहां पर मेरे को कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू को पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब कुछ ना कुछ मुझे पुट करना है, ठीक है। तो
तो व्हाट विल बी दैट कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट FF रिमेंबर दैट बस तो ये वो FF यहाँ पर पुट करेगा एंड देन द टाइप वुड बी बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी इज नोन बट डेस्टिनेशन मैक इज अननोन सो इट वुड बी अ ARP request 0x806 remember that yes sir that's it so friends yahan par what the device will do in the place of destination MAC the device will put FFFF and again FFFF 48 bit ho gaya ye आप देखो दोस्त ये चीज पुट करेगा तो साथ में सम टाइप वैल्यू विल आल्सो कम राइट एंड सिंस द डेस्टिनेशन आईपी इज नोन बट मैक इज अननोन सो इट वुड बी 0x806 एंड द रिक्वेस्ट कोड 8 बाय 8 मत बोलो इसको बोलो रिक्वेस्ट कोड आईसीएमपी रिक्वेस्ट कोड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट कोड और रिप्लाई कोड दो चीज होती है ना बस तो फिर ये होगा रिप्लाई कोड सॉरी ये होगा रिक्वेस्ट कोड ठीक है ना वेरी गुड अब देखो ये इंफॉर्मेशन डालकर कंप्यूटर ने क्या करा दिस इज कॉल्ड ग्रेशियस आर्प का पैकेट ठीक है ये ग्रेशियस आर्प का पैकेट है इस चीज को कंप्यूटर विल पुट इट ऑन द फिजिकल मीडिया बस कर इफ द कंप्यूटर विल पुट इट ऑन द फिजिकल मीडिया राइट दिस इंफॉर्मेशन विल रीच हियर और नॉट जब ये इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची तो ये स्विच क्या सेव करेगा कि 0/1 पे मैक एड्रेस क्या है 0A याद है ये कैम टेबल होती है अभी कैम टेबल के बाकी बस कर कैम टेबल के टोटल चार चीज होती है उसके अंदर फोर कंटेंट्स आर देयर VLAN आईडी एंड मैक एड्रेस पोर्ट आईडी एंड टाइप यही चार बताई थी ना बस अभी हमें सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है कि किस इंटरफेस पे कौन सा मैक एड्रेस है बस बाकी दोनों चीजें स्विच में जाके अच्छे से पढ़ेंगे वो क्या होती है ठीक है सबको गुड अब देखो 01 पे मैक एड्रेस इज 0 है इसने लर्न करा एंड द स्विच विल आल्सो लर्न द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस व्हिच इज अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस सो स्विच क्या करेगा ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करेगा भाई सब तरफ से भेजेगा क्या कहीं और पर 1.1.1.2 आईपी है रिप्लाई नहीं आया ना अगर होता तो क्या होता भाई देखो 1.1.1.2 आईपी इसके अलावा देयर इज नोवेयर एल्स राइट इफ इट वुड हैव बीन देन इट वुड हैव शोन मी एब्सोल्युटली राइट इट वुड हैव शोन मी आईपी एड्रेस कंफ्लिक्शन रिमेंबर दैट बस तो फिर इसीलिए तो ग्रेशियस आर को यूज करते हैं समझ गए ना बात को पक्का और सच ही बोल रहे हो ना गुड अब देखो नाउ व्हाट विल हैपन द कंप्यूटर एक्चुअली 1.1.1.2 वांट्स टू पिंग 3.3.3.2 ठीक है तो देखो कैसे चलेगी बात सोर्स आईपी इज 1.1.1.2 डेस्टिनेशन आईपी इज 3.3.3.2 Source MAC is 0A and destination MAC is FFFF. So it is again a 0x806 ka request code 8. ठीक है? ARP का request code लग गया? अब देखो दोस्त, ये वाला packet यहाँ से move हुआ switch के पास. लेकिन, जरा सोचो. भाई ये वाला कंप्यूटर जो भी डेटा वहां पर भेजना चाहता है राइट मैं मानता हूं कि ये सिर्फ पिंग नहीं कर रहा ये साथ में कोई डेटा भेजना चाहता है ठीक है लेट द डेटा बी बोलो कुछ लेट द डेटा बी ए सॉन्ग ठीक है वो एक सॉन्ग उसको भेज रहा है मान लो ठीक है तो दोस्त क्या होगा व्हाइल ही सेंडिंग अ सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वॉन्ट टू सेंड मी अ सॉन्ग राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इधर या तो आपको मेरा फोन नंबर पता होना चाहिए व्हाट्सएप कर दोगे लेकिन अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप ही नहीं है फिर ईमेल करोगे मेरी ईमेल आईडी है आपके पास हाँ यस सर जो बोल रहे हो यस सर वेरी गुड मैंने दी थी पहले एटलीस्ट आपका दिमाग तो थोड़ा सेंसिटिव है कि आपको याद है चीजें पुरानी भी बट मुद्दे की बात यह है कि अभी हम इस बारे में याद नहीं कर रहे ज्यादा ठीक है तो अब ऐसा मान लो कि मैंने कभी नहीं दी ईमेल आईडी तो
Now, you want to send me a song, right? But you don't know my email address. अब क्या करोगे? ब्लूटूथ, वेरी गुड. ये बहुत टेक्निकल आदमी है यार. चल मेरा फोन आईफोन है, ब्लूटूथ है ही नहीं. अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज जस्ट माय फोन नंबर. यू हैव माय फोन नंबर. मुझे गाना सेंड करना है तो मुझे ईमेल करोगे? अब देखो यार, ये फजूल की बातें मत करना कि ब्लूटूथ के अलावा तो वो पता नहीं क्या करते, बम्प सर्विस यूज कर लोगे, ये वो ये वो. मैं मुसीदा मुद्दे की बात कर रहा हूँ भी. तो क्या करोगे? इफ यू वांट टू सेंड मी एन ईमेल देन डेफिनेटली यू नीड माय ईमेल एड्रेस और नॉट. ठीक है, अब ईमेल एड्रेस आपको नहीं पता तो क्या आप सॉन्ग सेंड कर सकते हो? तो फिर मेरा ईमेल एड्रेस पता करने के लिए क्या करोगे? मुझे कॉल करोगे? मुझे कॉल करोगे? रिक्वेस्ट कैसे भेजोगे जब आपको मेरा ईमेल एड्रेस नहीं पता? अब आप मुझे एक मुझे कॉल करोगे और मेरा ईमेल एड्रेस मांगोगे. आई विल प्रोवाइड यू माय ईमेल एड्रेस. वंस यू हैव माय ईमेल एड्रेस देन ओनली यू विल बी सेंडिंग, यू कैन सेंड एन ईमेल टू मी. यस और नो? अब बस अब यही बात है भाई. इस बंदे को सॉन्ग भेजना है 3.2 के पास, 1.2 को 3.2 के पास सॉन्ग भेजना है. ले भाई, उसका फोन नंबर तो पता है, मतलब उसका आईपी एड्रेस तो पता है, राइट? लेकिन उसका ईमेल एड्रेस, मतलब उसका मैक एड्रेस नहीं पता. तो जब तक उसका मैक एड्रेस नहीं पता, डू यू थिंक इट विल पुट द डेटा ऑन द फिजिकल मीडिया? नो सर. कोई सेंस बनती है? No, नहीं. तो दोस्त यहां पर क्या होगा, ये वाला पैकेट कंप्यूटर भेजेगा ऊपर और क्या करेगा साथ में, डेटा ऑन होल्ड. समझ आई बात? Yes, sir. डेटा को होल्ड कर लेगा और सिर्फ इस आर्प के मैसेज को ऊपर भेजेगा. ये आर्प का मैसेज है कि नहीं है? गुड. yes, अब उसने ये आर्प पैकेट ऊपर भेजा तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट मारेगा. नाउ फ्रेंड्स, वंस द स्विच हैज परफॉर्म्ड अ ब्रॉडकास्ट, इट विल रीच टू द राउटर 1, राइट? नाउ पहली बात तो 1.3 के पास भी जाएगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता. लेकिन जब राउटर के पास गया तो राउटर ने क्या देखा कि भाई वो जाना चाहता है 3.3.3.2 के पास, है ना, जो कि एक्चुअली 3's नेटवर्क, मतलब 3 का नेटवर्क ही है वो. ठीक है, अब 3 का नेटवर्क इज कनेक्टेड ऑन R3, है ना. ये उसको कैसे पता लगा? अब देखो मुद्दे की बात, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जो बात कर रहे हो, राउटर ब्रेक द ब्रॉडकास्ट, वो भी आज क्लियर होएगा. देखो सबसे पहले राउटर्स क्या करते हैं, राउटर 1, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल. ओके, राउटर 1 क्या करेगा, अपने पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को लर्न करेगा. राउटर 1 विल, आई विल टेल द राउटर. ठीक है, मैं राउटर को खुद मैनुअली बताऊंगा कि भाई तेरे पास 10 का 1 का नेटवर्क और 12 का, ये दो नेटवर्क तेरे पास क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, ठीक है, मैं राउटर 1 को खुद मैनुअली बताऊंगा कि तेरे पास 1 और 12 का नेटवर्क आर डायरेक्टली कनेक्टेड. समझ आई बात? अब यही चीज मैं बताऊंगा R2 को, कितने नेटवर्क R2 पे कनेक्टेड है, कौन कौन से, 2, 12 और 23. एग्री और नॉट? एंड राउटर 3 पर 3 और 23. एग्री और नॉट? दैट्स इट. अब क्या होगा, राउटर 1 बताएगा राउटर 2 को कि मेरे पास में ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और राउटर 2 बताएगा राउटर 3 को कि मेरे पास ये कनेक्टेड है और R1 के पास ये कनेक्टेड है. ठीक है, सेम चीज R3 R2 को बताएगा, R2 अपनी और R3 की इन्फॉर्मेशन देगा किसको, R1 को. तो क्या सभी राउटर को पता नहीं लग गया? अब ये 3 का नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन R3, दिस थिंग राउटर 1 विल कम टू नो और नॉट? इज दैट द सेम थिंग आई हैव रिटन? R3 knows that it is connected on R1 knows that the network of 3 is connected on R3. Any doubts? No, sir. Sure? Yes, sir. Great. Now see, friends, R3 पर connected है, but R1 को ये information is given by भाई R1 को तो R2 के through ही पता लगी है कि नहीं लगी? Yes, sir. बस तो फिर इसको ये इंफॉर्मेशन R2 ने दी है. अब ये देखिएगा कि मैं R2 के पास कैसे जाऊं,
ठीक है, ये देखेगा कि मैं R2 के पास कैसे पहुंचूंगा। भाई R2 के पास पहुंचने के लिए मेरा गेटवे कौन है, R1 को R2 के पास पहुंचना है, तो ये नेक्स्ट होप आईपी 12.2 क्या ये इसके लिए गेटवे आईपी नहीं है? Yes, sir. भाई गेटवे का मतलब है बाहर निकल के जहां पहुंचा हुआ है ना। Yes, sir. तो यहां से R1 से बाहर निकलूंगा तो 12.2 ही तो मेरा गेटवे है ना। Yes, sir. 12.2 से ही तो मैं R2 पे घुसूंगा कि नहीं घुसूंगा। Yes, बस तो फिर ये देखेगा कि मेरा गेटवे आईपी कौन सा है। इसने देखा कि माय गेटवे आईपी इज 12.1.1.2 ठीक है। अब 12.1.1.2 जो है वो कौन सा नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क है। अब 12 के नेटवर्क पर जाने के लिए मेरे पास R1 की तरह सोच रहा हूं मैं अभी, ठीक है, R1 के पास 12 के नेटवर्क की कौन सी आईपी है, 12.1 है, कहां पर है, अच्छा सीरियल 1/0 पे, R1 पे नहीं, सीरियल 1/0 पर है ना, है कि नहीं है, वेरी गुड। अब देखो ये बोलेगा कि भाई वो सीरियल 1/0 के पास है, मैं यहां से उसके पास जा सकता हूं। लेकिन ना अब दोस्त इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, देखो सबसे पहले तो हुआ था ये ग्रेशियस आर, दूसरे नंबर पे इसने लर्न करा, फिर मैं वापस लिख रहा हूं पहले नंबर पे ये हुआ, ठीक है, क्योंकि ग्रेशियस आर वाला फंडा खत्म हो चुका है। दूसरी बार में इसने इसको होल्ड कर लिया और फिर इसने इस आर पैकेट को भेज दिया ऊपर, ठीक है। चौथी बार में स्विच ने मारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है, स्विच ब्रॉडकास्ट, और पांचवी बार में ये पहुंच गया यहां पर राउटर के पास और राउटर ने ये सब चीजें सोच ली, ठीक है। लेकिन अब राउटर क्या करेगा भाई, अब राउटर देखेगा कि भाई मैं 3.2 के पास डेटा क्यों लेकर जाऊं, पता है क्यों, क्या सोच रहा है ये, क्या सोच रहा है ये, हाँ तो रिक्वेस्ट तो आई है लेकिन डेटा तो होल्ड पे है ना भाई। देखो सर मैं एड्रेस के लिए जाएगा ना सर, तो मेरे को डेस्टिनेशन का मेरे को पता है, डेस्टिनेशन कहाँ पर है आई नो राइट, बट भाई मैं तुझे बोल, रुक जा, मैंने तुझे बोला आप कहाँ से हो, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा के आसपास की कोई वो बताना छोटा छोटी, उदयपुर इसमें, अबे कोई आसपास का गांव छोटा मोटा, पुर, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को पुर जाना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बस कर तू, मैं तेरे फेंक के मारूंगा फिर डस्टर यहाँ से, चुप रह गंदा आदमी, इधर जा, नहीं अपने आप से क्या, चुप रह बोल मत। अब देखो क्या होगा यहाँ से, मैंने बोला कि भाई मुझे जाना है पूरा, ठीक है, वेरी गुड। अब आप, मैंने आप लोगों से बोला भाई प्लीज यार मुझे रास्ता बता दो कि पूरा का रास्ता, पूरा जाने का रास्ता कहाँ से है, भाई आप भी इस क्लास में नहीं हो, पुर हाँ, तो अब बाकी सब लोग भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाकी सब लोगों ने आपसे पूछ लिया किसी ने, आपको पता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कोई वहां से जाके, वहां से जाके वैसे करके जा तो सकते हैं, आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, लेकिन मैं क्यों बताऊं भाई, मैं क्यों बताऊं इस बंदे को जिसको समझ ही नहीं आएगा, जिस बंदे को जाना है उसको बताऊंगा ना मैं तो, हाँ के ना। तो फिर आप, आपसे अगर तहा ने आपसे पूछा था, मैंने इस क्लास से पूछा, तहा ने आकर आपसे पूछा, आपको आपको पता लग गया, आप तहा को क्या बोलोगे कि भाई चल मेरे को मिलवाओ उस बंदे से, अब आप मुझे, मेरे पास आओगे मुझे बता दोगे या फिर मुझे अपने पास बुलाओगे जो भी है कि भाई ऐसे 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 करके वहां पर वहां पहुंच जा, हाँ के ना। अब वही बात है कि भाई इसको पता है कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं पहुंचाऊं तो पहुंचाऊं क्या भाई, डाटा तो उसने होल्ड पे लगा लिया, जब मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं उसको पहुंचाऊं तो रास्ता तो पूरा का पूरा बता दूं लेकिन दीवार को बताऊं क्या, नहीं समझ आ रही बात, पक्का नहीं आई। देख मेरे को पता है, राउटर वन को पता है कि डेस्टिनेशन 3.2 के पास जाना है और राउटर वन चेक करेगा कि क्या मेरे पास 3.2 पे पहुंचने का रास्ता है। अब राउटर ने यही चीज सोची ऊपर राइट, ये पूरी की पूरी चीज राउटर यही सोच रहा है, ये चीज सारी राउटर ने यही सोचा। अब राउटर ने सोच लिया तो फिर राउटर देखेगा कि भाई मैं बहुत जा सकता हूं वहां पर, डन है, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं क्यों ना जाऊं, क्योंकि ये देख दोस्त डेटा तो इसने यहां पर अपने पास होल्ड कर लिया था ना, तो सबसे पहले तो मैं उस डेटा को रिलीज करवाना चाहूंगा उससे कि नहीं भाई, इफ आई डोंट हैव डेटा तो मैं भेजू क्या, खाली आप मेरे को
ईमेल आईडी आपको मेरी पता है ठीक है, लेकिन ईमेल आईडी में फिर क्या भेजोगे, खाली ईमेल आईडी भेजोगे, खाली में खाली एक ब्लैंक ईमेल भेजोगे मुझे, ऑब्वियसली यू शैल नो दैट व्हाट टू राइट राइट, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स यहां पर वही चीज हो रही है, ये राउटर देखो क्या करेगा, ये राउटर क्या करेगा, राउटर विल नॉट सेंड, बट सिक्स स्टेप में दोस्त राउटर क्या करेगा, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, प्लीज थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना। सिक्स स्टेप में राउटर क्या करेगा के सोर्स आईपी लगाएगा 3.2, ठीक है 3.2 यहां पर है, फिर भी राउटर वन खुद लगा रहा है इसको, हाँ सोर्स आईपी 3.2, क्योंकि भाई कंप्यूटर ने तो नीचे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने 3.2 को मारा था ना इंफॉर्मेशन, तो उसकी रिक्वेस्ट, उससे रिक्वेस्ट मांगी है ना कि अपना मैक एड्रेस दे, तो राउटर वन क्या कर रहा है, सोर्स आईपी 3.2, डेस्टिनेशन आईपी 1.2, सोर्स मैक ए बी अपने खुद के इंटरफेस का मैक एड्रेस, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक 0A और साथ में 0x800 रिप्लाई कोड, 00 क्यों लगा, बिकॉज 0x800 इज अ आईपी सर्विस कोड, रिमेंबर दैट। अब ये चीज इसने लगाई है यहां पर, ठीक है ये चीज इसने लगाई है कि भाई सोर्स आईपी उसकी लगाई है, डेस्टिनेशन आईपी जिसने इंफॉर्मेशन भेजी थी उसकी लगाई है, राइट, सोर्स मैक उसने अपने खुद के इंटरफेस का लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया, और डेस्टिनेशन मैक उसने लगाया जिसने उसको भेजी थी रिक्वेस्ट, ये है ना। अब यार मैंने इस क्लास में किसी को देखा था कि ना बंदा क्लास में आया नहीं, और उसके दोस्त वो अटेंडेंस देने के लिए आए, उसके दोस्त ने बोल दिया यस सर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्यों बोलते हैं इसको, वो है नहीं उसकी जगह कोई और बंदा ही प्रेजेंट था, है ना। आप देखो लेट से आप क्लास में हो नहीं, ठीक है, आपका नाम क्या, राहुल, राहुल क्लास में है नहीं, आपका नाम क्या, हिमांशु, हिमांशु, तो उन्होंने बोला आगे अटेंडेंस में राहुल, हिमांशु ने बोला यस सर, लग गई अटेंडेंस, तो इसने क्या करा, प्रॉक्सी मारी है ना। देखो तो प्रॉक्सी क्या होती है कि हिमांशु अपने आप को एज अ राहुल रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना, yes, हिमांशु अपने आप को एज अ राहुल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, yes, यही होती है प्रॉक्सी। वैसे हम में से आधे लोग तो वैसे कॉलेज वाले लगते हैं, तो हमें तो ज्यादा पता है कि ये प्रॉक्सी प्रूक्सी क्या होती है ना, वो अटेंडेंस छोड़ दे होते, डिटेन नहीं होते प्रोसेस। तो अब बस दोस्त वही यहाँ पर ही वही बात हो रही है, तो इस वर्ड ये पर्टिकुलर राउटर ने प्रॉक्सी मारी है ना, yes, तो दोस्त इसको पता है मैं क्या बोलता हूँ, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्या, प्रॉक्सी आर्प, आर्प की प्रॉक्सी मारी है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प, समझ में आई है ये बात, पक्का भाई, तेरे को कहां से समझ में आई, कुछ दिख भी रहा है तेरे को बोर्ड, यहां पर वो पीछे वाला तेरा जहां पर अपनी कुर्सी लगा के बैठा है वहां से तेरे को मेरी शक्ल नहीं दिख रही, बोर्ड क्या दिखेगा, अबे तेरे को नहीं इसको बोल रहा हूं आगे वाले को। ये चीज क्लियर हुई है अब, तो दोस्त ये इंफॉर्मेशन लगाकर फिर ये क्या करेगा, सेवंथ स्टेप में इसको यहां से नीचे भेज देगा, जब इसने नीचे भेजा तो एट्थ स्टेप में स्विच ने क्या लर्न करा कि भाई F03 पर मैक एड्रेस है ए बी, हाँ के ना, और जब ये इंफॉर्मेशन नीचे फिर स्विच यहां से भेजेगा, जब ये इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर के पास आई है तो ये कंप्यूटर क्या देखेगा कि भाई सोर्स आईपी इज 1.2, डेस्टिनेशन आईपी इज 3.2, सोर्स मैक इज 0A, डेस्टिनेशन मैक इज AB, हाँ है ना, एंड भाई 0x806 तो दोस्त तब होगा जब डेस्टिनेशन आईपी नोन है बट डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, बट यहां पर तो मेरे पास नोन है ना, वो नोन नहीं है, यहाँ पर ये डेस्टिनेशन आईपी 3.2 है और डेस्टिनेशन मैक FFFF ब्रॉडकास्ट होता है ना भाई, बस तो फिर यहाँ पर 3.2 डेस्टिनेशन है और AB डेस्टिनेशन मैक है, दोनों चीज पता है ना मुझे, तो मैं 0x800 यूज करूंगा, बस इतना है कि यहाँ पर साथ में ये क्या करेगा, डेटा जो होल्ड पे था डेटा विल बी रिलीज फ्रॉम हियर, ठीक है, जो डेटा होल्ड पे था वो डेटा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कौन से स्टेप में हुआ है ये,
नाइन्थ स्टेप में, ठीक है। अब टेंथ स्टेप में नहीं, नाइन्थ स्टेप में तो इसने सिर्फ उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेव करा था, मतलब नाइन्थ स्टेप में तो उसने सिर्फ अपने पास आर्प कैशे क्रिएट करी थी। आर्प कैशे में उसने क्या रखा कि भाई 3.2 का मैक एड्रेस है ए बी, ठीक है। और ये तो उसने एक्चुअली एक रिप्लाई जनरेट करा है जो वो नाइन्थ नहीं टेंथ स्टेप में करा है उसने, ठीक है। अब ये रिप्लाई यहाँ से ऊपर जाएगा, ये चीज ऊपर जाके राउटर के पास पहुंचेगी। अब राउटर को पता है कि भाई 10 हो गए थे ना, 11वां स्टेप राउटर का फिर से यही वाला होगा जो 5वां स्टेप था, हाँ है ना, हाँ है ना। बस अब की बार इतना है कि यहां से वो इसको सेंड भी कर देगा, ठीक है। अब ये चीज आर टू रिसीव करेगा, जब आर टू ने रिसीव करी तो आर टू देखेगा कि भैया वो जाना चाहता है 3.2 के पास जो जो आर 3 पे कनेक्टेड है, और मेरा गेटवे है 23.2 और मैं 23 का नेटवर्क मुझे फॉलो करना है और 23.1 की आईपी मेरे पास है, हाँ है ना। तो वो इसको यहां से सेंड कर देगा, फिर करेगा आर 3 के पास पहुंचा, आर 3 यहां से नीचे सेंड कर देगा। अब दोस्त यहां से नीचे जाते हुए भी वही बात होगी वापस कि ये FFFF लगाएगा, फिर यहां से ऊपर से इसका रिप्लाई आएगा, फिर उसको पता लगेगा राउटर को। राउटर पहले यहां से क्या करेगा, सोर्स आईपी लगाएगा किसकी, 1.2 डेस्टिनेशन आईपी 3.2, सोर्स मैक एड्रेस EF मतलब अपने गेटवे का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन वही FFFF मतलब ब्रॉडकास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वापस स्विच के पास जाएगी, स्विच उसको ब्रॉडकास्ट मारेगा मारेगा और फिर कंप्यूटर उसको रिप्लाई जनरेट करेगा। ये रिप्लाई कंप्यूटर ने जनरेट करा, फिर ये भेजेगा सोर्स आईपी 1.2 डेस्टिनेशन 3.2 सोर्स मैक एड्रेस EF एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 2A, ठीक है। फिर ये इंफॉर्मेशन यहां से कंप्यूटर के पास पहुंची है, फिर कंप्यूटर को वो डेटा फाइनली मिल चुका है। अब ये देख लो यहां पर ये कितने स्टेप हो गए थे, वैसे 11, मैंने 11 के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया, हालांकि 12वें में यहां रिसीव होगा, फिर 13वें में वो सोचेगा, 14वें स्टेप में यहां से इसको आगे सेंड करेगा, 15 स्टेप में उसको रिसीव होगा, 16 स्टेप में वो सोचेगा, 17 में नीचे भेजेगा, ये आर्प वर्क लगा के, हाँ के ना। तो दोस्त ये करीब करीब 25 पॉइंट हो जाएंगे एक ही तरफ, फिर यहाँ से जब वापस रिप्लाई जनरेट होगा तो वापस 25 स्टेप होंगे, 50 हो जाएंगे, हाँ है ना, सेम तरीका ही होगा, 50 ना सही लेकिन कम से कम 40 तक तो होंगे ही होंगे वो, जिस तरह से मैंने बताया मेरे हिसाब से, तो मैंने उसको 40 स्टेप बना दिया। अब बुक में दोस्त यही वाली चीज 36 स्टेप में उसने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। बट समझ में आया है या नहीं आया है, याद रखना कि इस चीज को वापस घर जाके पढ़ना। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग इज आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग के बारे में फर्स्ट डे ऑफ द क्लास डेफिनेटली आई हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स विद यू, हाँ है ना, बट टुडे आई डू दैट अगेन, राइट। विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अगेन एंड देन वी विल स्टार्ट tomorrow would be the main thing for subnetting and BLSM. Get ready for that. Okay. Now friends, IP addressing. See how it works. Number one. In IP addressing, we have different, first of all, we are using is Internet Protocol version 4. IPv4 we are using, right? Ab IPv4 sirf ek lauti cheez nahi hai. IP वर्जन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ बात करेंगे वर्जन 4 एंड वर्जन 6 की, ठीक है। वर्जन 5 की बीच में मैं आपको बताऊंगा टाइम आने पे, ठीक है। अब वर्जन 1, 2, 3 के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। बट मेन फोकस होना चाहिए वर्जन 4 एंड वर्जन 6 पर, रेडी फॉर दैट। अब देखो भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, देखो दोस्त इसके अंदर क्या होता है कि ये दिया गया था 1981 में, ठीक है, 1981 में दिया था, और इसको किसने दिया था, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। वो बनाती है क्या, RFC स्टैंडर्ड, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट बनते हैं, इसका RFC नंबर था 791। अब देखो RFC 791, RFC के अंदर क्या होता है, पूरी पूरी दोस्त कमेटी टाइप से बैठती है, ठीक है, ऑनलाइन बैठती है, और उसमें हर बंदा जो इस मामले में बहुत ज्यादा नॉलेज है ना जिसको, इस उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जिसके लिए RFC कमेटी बैठी है, उन उन बंदों को उस कमेटी के अंदर बिठाया जाता है,
ठीक है, वो लोग ऑनलाइन अपने अपने कमेंट पास करते हैं कि भाई इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, करते 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 फाइनली दे गेट अ नंबर। उन सभी के बातों को मिला जुला कर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी पे वो लोग निकलते हैं, एंड दैट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज RFC स्टैंडर्ड। सो एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग नेटवर्किंग राइट, तो हर एक चीज का RFC स्टैंडर्ड पढ़ने की आदत डाल लो। IP एड्रेसिंग का है RFC 791। अगर आपने ये पढ़ा, बिलीव मी यू रियली डोंट नो हाउ मच बेनिफिट यू विल बी हैविंग। I have no idea about that. चलो आई वो पढ़ लोगे, बाकी आपकी इच्छा है। अब देखो दोस्ती, RFC 791 के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया था कि IP एड्रेस की डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस, ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड लास्ट इज क्लास ई। ठीक है, एंड नॉट ओनली द क्लासेस बट ऑल्सो द रेंज वॉज ऑल्सो डिफाइंड। ओके, द रेंज ऑफ क्लास ए इज फ्रॉम 0 to 127। ठीक है, क्लास बी की रेंज है 128 से 191, क्लास सी वुड बी फ्रॉम 192 to 223, क्लास डी वुड बी 224 to 239 एंड क्लास ई वुड बी 240 to 255। इनको याद करने का तरीका क्या है, 128, 0 के अंदर 128 ऐड करोगे तो नंबर वुड बी 128 राइट, तो मतलब 128 से अगला शुरू हो रहा है। 128 प्लस 64 वुड बी 192, 192 प्लस 32 वुड बी 224 एंड 224 प्लस 16 इज 240 एंड 240 प्लस 16 इज 256 व्हिच डजंट एग्जिस्ट। व्हाई 256 डजंट एग्जिस्ट, यार एक पानी की बोतल मेरे पास ही छोड़ दिया करो दोस्त। आईपी एड्रेस इज अ 32-bit आइडेंटिटी। ठीक है, एक 32-bit का बना हुआ होता है। और आपका बर्थडे कब आता है सर, 17/11/1991 दोस्त, दिस इज एन आईपी एड्रेस 17.11.19.91। ठीक है, 17 इज अ डेसिमल नंबर और नॉट, 11 इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर, 19 एंड 91 एज वेल राइट। सो दीज आर द फोर डेसिमल नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, एग्री और नॉट, सो कैन आई कॉल देम डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, अब देखो दोस्त अगली चीज भाई, ये जो आईपी एड्रेस है ना टोटल 32 बिट का होता है, तो दोस्त ये जो नंबर है 17 इट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स, फिर एक डॉट है, फिर से 8 बिट्स, फिर से एक डॉट है, फिर से 8 बिट्स डॉट और फिर से 8 बिट्स, 8 4 32। तो ये 32 बिट हो गया कि नहीं हुआ, बिट मतलब या तो 0 या तो 1, एग्री और नॉट। अब देखो जरा मेरे को मैथमेटिक्स सिखाओ, 2 raised to the power 0 इज, 2 raised to the power 1 इज, 2 raised to 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 28। तो भाई 0 से 7 तक 8 बिट कवर होगी कि नहीं हुई, ये लो। तो दोस्त अगर ये 8 बिट कवर हो चुकी हैं तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 128 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। नंबर क्या थे, 17.11.19.91। ये लो मुझे निकालना है नंबर 17, किस किस को जोड़ू कि 17 आ जाए, 0 0 0 16 प्लस 1 इज 17 राइट, देन 11, हाउ टू फाइंड दैट, 8 10, 11, right? Then 19 would be 16, 17, 18 and 1, 19. And 91 would be 64 plus 16 is 80, 88.
90, 91, 0 राइट और रॉन्ग? यस सर। अब देखो दोस्त, इन सभी नंबर्स में इफ एवरी नंबर इज 1 देन टोटल नंबर वुड बी 25। ये जोड़ दो बेशक इसको, 128 प्लस 64 ऐसे मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 आया टोटल 255। वेरी गुड, तालियां बजा रही है गंदी औरत, बस करो। टोटल वुड बी 255 राइट? एंड इफ एवरीथिंग इज 0 टोटल वुड बी 0 फॉर श्योर राइट? तो इसलिए समझ में आया किसकी टोटल रेंज 255 तक आ सकती है ना एक ऑक्टेट में। ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 ऑक्टेट। टोटल एक टोटल 8 ऑक्टेट्स को ऐड करके 255 ही हो सकता है ना। तो दोस्त किसी भी ऑक्टेट में क्या नंबर 255 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, इसीलिए ये रेंज 255 पर आके मैंने रोक दी है। ठीक है, कोई शक इसमें? आगे चलूं? वेरी गुड। अब देखो दोस्त, इसके अंदर यार ये एक इसकी रेंज डिफाइंड है। ठीक है, अब क्लास ए की रेंज डिफाइंड है 0 से लेकर 127 तक। ठीक है, तो मैं इस सारी कलाकारी को हटा दूं यहां से। ये लो, आप देखो मैं चाहता हूं कि इनमें सबको जोड़ के नंबर आए 1, सबको 0 और इसको 1 रखूंगा। Yes, मैं चाहता हूँ आए 2, तो मैं सबको 0 इसको 1 रखूंगा। yes, मैं चाहता हूँ आए 3, तो ये दोनों। 4 के लिए सिर्फ ये, 5 के लिए ये दोनों, है ना? ऐसे ही दोस्त सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 128 क्लास ए में, 0 से 127 तक, है ना? तो अगर मैं चाहता हूँ 127 आए तो मैं क्या करूंगा भाई? टोटल सबको जोड़ के 255 होता है ना। देख लो, 255 में से मुझे चाहिए 127, करना जरा माइनस, 128 आएगा। तो सीधी सी बात है कि इसको 0 रख दो और बाकी सबको कर दो क्या 1। तो भाई देखो, 0 से 127 तक कोई भी नंबर, 0 से 127 तक कोई भी नंबर, जस्ट दैट नंबर 128 इज कॉल्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट, राइट? हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट वी कॉल इट। ये जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये कभी भी चेंज नहीं हुई थी, बट जो बाकी बिट्स है दे कीप्स ऑन चेंजिंग, एग्री और नॉट? यस सर। भाई 127, 64, 32, 16 सब बिट्स चेंज होती रहती है, लेकिन 128 तो हमेशा जीरो ही रहता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्लास ए में कोई भी नोटेशन हो, ये वाली बिट हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट विल ऑलवेज बी हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल ऑलवेज बी जीरो। तो क्या मैं बोल दूं कि ये वाली बिट मैं प्रायोरिटाइज्ड कर चुका हूं? प्रायोरिटाइज्ड बिट बोल दूं इसको मैं? प्रायोरिटी का मतलब पता है ना? कोई जिसको नहीं पता बता दो, देखो शर्माने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। गुड, ऐसे ही दोस्त अगर मैं निकालना चाहता हूं किसको, क्लास बी का, क्लास बी की रेंज होती है 128 से 191, तो मैं क्या करूंगा? 128 से शुरू है तो ऑब्वियसली भाई ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, मैं चाहता हूँ 191, तो मतलब 255 में से 191 को माइनस करना, तो मतलब ये वाले बिट हमेशा 0 ही रहेगी कि नहीं रहेगी? सेम वे दोस्त फॉर क्लास सी आई हैव इज 1 1 0, क्लास डी हैज 1 1 1 0 एंड क्लास ई हैज 1 1 1 एंड 1, कोई 0 नहीं है इसमें। ठीक है, प्रायोरिटी बिट का फंडा क्लियर है? अब देखो दोस्त एक और बात यार, इन नेटवर्क्स की ना दोस्त एक होती है क्या, नोटेशन।
क्लास ए की कोई नोटेशन होती है, क्लास बी की कोई नोटेशन होती है और क्लास सी की भी एक नोटेशन होती है, ठीक है। क्लास ए की नोटेशन क्या है? के द फर्स्ट ऑक्टेट इज रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क एंड रेस्ट ऑफ द थ्री ऑक्टेट्स आर फॉर द होस्ट बिट्स। मतलब ऑक्टेट इज रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क, एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 bits. तो मतलब यहाँ पर नेटवर्क बिट तो है 8 और होस्ट बिट कितनी है? 64. यहाँ पर है नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट, मतलब नेटवर्क बिट कितनी है? 16 एंड होस्ट बिट 16. वेरी गुड। क्लास सी में नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट, तो नेटवर्क बिट्स आर 24 एंड होस्ट बिट्स आर 8. वेरी गुड। समझ में आ रही है चीज? Yes, भाई जिसको नहीं आ रही, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे पूछ लोगे। नहीं आई? नहीं आई ना, तो पूछेगा कौन? देखो दोस्त, पता है क्या होता है? देखो देखो यार, लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी रियली वेरी क्लियर, लेट मी टेल यू अबाउट मी। देखो यार, पता है क्या, मुझे ना पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कितने साल हो गया, बहुत साल हो गए। तो एक्चुअली ये चीज ना यार जग जाहिर हो जाती है बंदे के सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन देख के पता लगता है कि कौन ध्यान कर रहा है, कौन ध्यान नहीं कर रहा, कौन यहाँ पर क्लास में सिर्फ अपने इसलिए आया कि मेरे को अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट चाहिए बस, मेरे को यार कॉलेज में कहीं पर समर इंटर्नशिप दिखानी है, वो दिखाने के लिए आए आधे लोग, तो वो मुझे पता है। तो भाई वो सारी चीज़ें पता लगती है बंदों के फेस से, लेकिन समर इंटर्नशिप के बाद भी कौन बंदा पढ़ने के लिए आया कौन नहीं आया वो भी पता लगता है। तो यार एक्सपीरियंस बोलता है, साथ में मुझे पता है कि किसको समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है किसको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सिर्फ सीधा आप जो आपकी ओर ही देख के बोलता हूँ कि हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो समझ में आया, समझ में आया, फिर बंदा बोलता है नहीं आया। तो भाई उसकी जगह मुझे पहले ही बोल दो ना मैं नहीं समझ में आया, अगर आप लोग मुझे बोलोगे मैं खा थोड़ी जाऊँगा या बेइज्जती करूँगा बता दो। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो और तभी आप पूछ नहीं रहे, तो दोस्त ये आपकी गलती है, मैं ऐसा मत होने दो यार। इतने पैसे लगा कर आया तो सीखने के लिए आए हो ना, कुछ डरने के जीने के लिए थोड़ी आए। चलो बलदेव सर का कहना है बहुत अच्छी बात, जब कुछ सीखने ही आए हैं तो हंसी खुशी सीख लेते हैं, दिल लगा के सीख लेते हैं, सीखना ही है तो। चलो अब देखो कौन सी चीज़ समझ नहीं आई पहले ये बता, बोल दे। अरे मेरे पीछे बना भाई, क्योंकि टेंशन ले रहे हैं। हाँ नोटेशन वाली, देखो देखो नोटेशन के अंदर क्या होता है कि उस चीज को आप कैसे दिखाते हो। देख क्लास ए की रेंज 0 से 127 तक है ना, है ना। तो ये देखो मैं क्या करता हूं दोस्त, 0 से 127 कोई भी नंबर बोलना जो भी आपको पसंद है, मैंने आपसे ही पूछा बता दो। 33 तेरे से नहीं पूछा, चुप रहा है कौन बोला? हाँ जी बताओ भाई साहब, बताओ कोई भी नंबर जो आपको पसंद है। 29, अब ये लो जी 29.0.0.0 ये होगा पहला, है ना, यहीं से शुरू होगा ना। अब देखो दोस्त क्लास ए में नेटवर्क होस्ट 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 और एक आईपी एड्रेस में, ये क्या था, एक आईपी एड्रेस में याद रखना नेटवर्क बिट्स आर नेवर चेंज्ड, ठीक है, एंड होस्ट बिट्स दे कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है बस। तो ये भाई नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क पोर्शन है, 29 वाला पोर्शन नेटवर्क का है ना। अब देखो एक बात बताओ मुझे, 300 में एक जोड़ना नंबर क्या आएगा? 301। कैसे भाई? ये जो वन है ये वन आपने इस जीरो में जोड़ा, इस जीरो में जोड़ा या इस थ्री में जोड़ा? इस वाले जीरो में जोड़ा ना, सबसे पहले वाले में ही जोड़ते हैं ना, तभी ये 301 आया ना। हाँ बस, अब मैं पता है इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त 29000 में एक जोड़ो तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 29.0.0.1, ठीक है, फिर इट विल बिकम 29.0.0.2, फिर इट विल बिकम 29003, 29004, करते करते ये रेंज कहाँ तक जाती है? 255 तक ही हो सकती है ना, मैक्सिमम नंबर 255 ही हो सकता है ना इसमें। अब देखो 255 के अंदर एक और जोड़ो, ध्यान देना इस बात पर, 255 में एक और जोड़ो, वह 255 प्लस एक, तो मतलब अगला जीरो ही हो गया भाई। जब रेंज जीरो से लेकर, देख जब मैं 300 में एक जोड़ रहा हूं, है ना,
तो जीरो के बाद तो एक ही आएगा ना फिर यहाँ पर, है ना। अब देख मैं 309 में एक जोड़ रहा हूं, तो 9 और एक 10 ही, जीरो ही तो आएगा, एक तो आगे चला जाएगा ना, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, तो 310 हो जाएगा ये तो वापस जीरो बन गया और अगला एक ऊपर चला गया, हाँ है ना। बस दो सेम चीज यहाँ पर है, 255 में एक जोड़ोगे तो वो दो जाएगा जीरो और एक ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया वन। तो फाइनली इट विल बिकम 29.0.1.0, फिर इट विल बिकम 29.0.1.1, 29.0.1.2 करते करते 29.0.1.255, राइट। फिर ये बन जाएगा 29.0.2.0, है ना। फिर करते करते 29.0.2.255, फिर दोस्त एक टाइम भी यहाँ नहीं आएगा 29.0.255.255, हाँ है ना। अब इसके अंदर फिर एक जोड़ो, 0 0 1 29, राइट। देन इट विल बिकम 29.1.0.1, है ना। फिर करते करते 29.1.0.255, फिर 29.1.1.0, फिर 29.1.1.255, राइट। करते करते दोस्त क्या है, यहीं पर कहीं जाके खत्म नहीं होगा, 29.255.255.255। अब इसके अंदर जरा एक और जोड़ना, 255 में एक और जोड़ दिया, 0 0 0 30, हाँ या ना। तो दोस्त यहां पर मैंने बोला था नेटवर्क पोर्शन इज नेवर चेंज, नेटवर्क पोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। क्या ये 29 से 30 नहीं बन गया क्या, मतलब चेंज हो गया ना, तो मतलब दोस्त मैं इस नेटवर्क से बाहर निकल आया हूं। यही मैंने लिखा है नोटेशन में कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क होस्ट 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 पहला वाला पोर्शन कभी भी चेंज, पहले वाला ऑक्टेट कभी भी चेंज नहीं होगा, एंड रेस्ट ऑफ द 3 ऑक्टेट्स विल कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो अगर एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है ना भाई, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट होता है ना, पहले यही बात करी थी ना हमने, कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टेट, राइट। तो दोस्त यहां इस पूरे में 8 बिट होंगी ना, 8 बिट मतलब नेटवर्क बिट 8 है, होस्ट बिट कितनी है, नेटवर्क बिट 16, 8 और 8 16, और होस्ट बिट 8 और 8 16, नेटवर्क बिट 8 8 16 8 24 और होस्ट बिट कितनी 8, समझ आ गई बात अब पक्का। हाँ नहीं, मैंने बोला ही नहीं वो वैलिड है, मैंने अभी कुछ रिजर्व नेटवर्क की बात ही नहीं करी ना मेरे भाई, रुक जाओ अभी। वो डिफॉल्ट के लिए होता है, उसका असली कारण ये है क्योंकि उसको डिफॉल्ट राउटिंग में यूज करते हैं, तो वो डिफॉल्ट के लिए, नहीं उसका जो रियल रीजन है वो भी हमें नहीं पता, वो अनस्पेसिफाइड नेटवर्क आईडी होता है। हाँ जी, अब देखो ये चीजें क्लियर है। नाउ फ्रेंड्स लेट मी टॉक अबाउट क्लास डी। क्लास डी का क्या सीन है भाई, क्लास डी इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग एंड न्यूज ग्रुप्स, ठीक है। अब ये मल्टीकास्टिंग क्या होती है, अभी हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, जब राउटिंग प्रोटोकॉल आएंगे मैं इस मल्टीकास्टिंग आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि ये होती तो होती क्या है, ठीक है। ठीक है, अब बस एक बात है मल्टीकास्टिंग के, एज एन एग्जांपल मैं आपको भी ये बोल सकता हूँ कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है रिप वर्जन 2 राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। उसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.9। अब क्योंकि ये 224 है, ये भी 224 है, तो क्या क्लास डी का नहीं हुआ क्या। EIGRP का क्या होता है, 224.0.0.10, और OSPF का क्या होता है, 224.0.0.5 and 224.0.0.6 as well, ठीक है। और अगली चीज क्या है मेरे पास, class E is reserved for research and development by Department of Defense, ठीक है। अब ये research and development इन्होंने क्या करी है, जो टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं सबनेटिंग, और बस करो, अरे बाद में बातें कर लेना, सबनेटिंग और VLSMB साथ में नेट और पैट के बारे में पढ़ेंगे,
और ट्रिपल पी के बारे में भी पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपने सीसीएन में कोर्स स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है? ठीक है अब दोस्त, ये सब की सब चीजें करता कौन है? IRTF और IETF करता है। कौन करता है? IRTF IETF मतलब I से इंटरनेट, R से बोलो रिसर्च, और E से क्या होगा? इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग नहीं होता, इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, सही से बोलना इसको। हाँ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है? हाँ भाई, जो ये मजाक कर रहे हैं ना इंजीनियर इंजीनियर के ऊपर, मैं आपको ये बता दूं, इंजीनियर पता है कौन होते हैं? जो ये सड़कों की साइड पे जो गाड़ी ठीक करते हैं, वो बोलते हैं भाई मेरा इंजीनियरिंग वर्क्स है, ठीक है? तो दोस्त, एक अगर आप सही लहजे से बोलोगे तो दिस इज नॉट कॉल्ड इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है? और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ आपको हेल्पफुल होगी कि आप चीज़ों को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, कि आप चीज़ों को किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से समझ रहे हो, वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है? चलो, बाकी मेरा काम है आपको समझाते जाना है, जिसने हंसना है हंसो, मजे उड़ाने मजे उड़ाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरी रूटीन खराब होती है उससे। चलो जी, तो ये चीजें कुछ क्लियर हुई हैं। अब दोस्त एक चीज और है, कुछ नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड नेटवर्क्स। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट, विच नेटवर्क्स आर रिजर्व्ड। पहली बात तो दोस्त, नेटवर्क ऑफ जीरो इज रिजर्व्ड। कोई भी नेटवर्क में अगर जीरो डॉट, जैसे जीरो से है, कोई भी एक ऑक्टेट जीरो है, पहला ही ऑक्टेट मान लो जीरो है, ठीक है? किसी भी नेटवर्क में अगर पहला ऑक्टेट जीरो है, तो क्या उसके अंदर एक भी नेटवर्क बिट हुई क्या? नहीं। सारी की सारी होस्ट बिट्स ही है ना। तो भाई जिसके अंदर कोई भी नेटवर्क बिट को मैंने स्पेसिफाई करा ही नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्पेसिफाइड नेटवर्क, ठीक है? उसके बाद 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूपबैक एंड सेल्फ टेस्टिंग। ये लूपबैक कंप्यूटर्स के लूपबैक होते हैं। एंड ऑल्सो द नेटवर्क ऑफ 169.254.0.0 इज रिजर्व्ड फॉर अपीपा। अपीपा मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ठीक है? ठीक है, गुड, आगे चला जाए। Now let's see, friends, why the world was given with these different networks. Let's talk about different classes. Let's talk about. एक होता है formula to find number of network निकालने के लिए formula is 2^2 number of network bits माइनस प्रायोरिटाइज्ड बिट। प्रायोरिटाइज्ड बिट मतलब कुछ बिट्स को हमने प्रायोरिटाइज कर रखा था ना, याद आया? माइनस इस पूरे में से मैं माइनस करूंगा रिजर्व्ड नेटवर्क्स को, ठीक है? ठीक है, और साथ में एक और फॉर्मूला है दोस्त, और जब छोड़ो उसको, चलो देखते हैं नंबर ऑफ वैलिड होस्ट्स पर नेटवर्क। नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर नेटवर्क, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2^2 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स माइनस 2। ये माइनस 2 क्यों? क्योंकि एक होती है क्या? नेटवर्क आईडी, और एक होती है क्या? ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है? होस्ट आईडी नहीं, ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क बिट मतलब ऑन बिट्स मतलब 1, होस्ट बिट्स मतलब जीरो, ऑफ बिट्स मतलब 0, ठीक है? ठीक है, yes, अब देखो यार, क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 2^8। नंबर ऑफ ऑन बिट्स, भाई क्लास ए की नोटेशन क्या है? नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, तो मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी हुई? 8 हुई ना? yes, sir. पक्का? yes, sir.
2 raised to the power 8 minus prioritized bit. ये देख लो, क्लास ए के अंदर सिर्फ यही वाली बिट प्रायोरिटाइज्ड है ना, क्लास बी के अंदर दो बिट्स प्रायोरिटाइज्ड हैं, क्लास सी के अंदर तीन बिट्स प्रायोरिटाइज्ड हैं, ये पता है ना बेटा, पता है ना सबको, क्लास डी के अंदर चार, 1 2 3 4 एंड क्लास ई के अंदर भी चार, डन है। चलो तो 8 माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2, कितना वैल्यू, कितनी वैल्यू आई, 2 रेस पावर 7 माइनस 2 मतलब 126 है ना। अब देख लो यार, क्लास ए की रेंज थी 0 से 127 तक, राइट तो पहला नेटवर्क 0 तो रिजर्वड है ना, तो पहली नेटवर्क आईडी क्या हुई, 1.0.0.0, फिर 2.0.0.0, 3.0.0.0, 4.0.0.0, 5.0.0.0, करते करते 126.0.0.0.0, तो 126 नहीं बने क्या? यस सर। मतलब ये फॉर्मूला सही है ना? यस सर। गुड, अब देखता हूं मैं क्लास बी का, और क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 रेस टू द पावर नंबर ऑफ ऑफ बिट्स, ये देख लो, होस्ट बिट तो यहां पर 8 8 16 8 24 है ना, माइनस 2, तो दोस्त ये नंबर आता है 1,67,77,214, मेरी बात मान लेना इतना ही आता है, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा वैसे अभी, ये ले दिखाई देता हूँ, दिखाया था, जो कुछ लोग नए थे ना उनको नहीं दिखाया होगा, ये देखो इधर भाई, ये 29 का है, ये जो लास्ट वाला है ये 0 से 255 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये देख लो, इस 0 से लास्ट में 255 तक गया है, ये लो, तो 0 से 255 मतलब 256 हो गए, ये वाला भी 0 से लेकर 255 तक गया है, और ये वाला भी 0 से लेकर 255 तक ही गया है ना। अब ये वाली है नेटवर्क आईडी और ये वाली है, तो इस टोटल जो भी इसका नंबर आएगा उसमें से मैं माइनस 2 करूंगा कि नहीं करूंगा, देखते हैं नंबर कितना आ रहा है, 256 × 256 × 256 कितना आया, 1677216 है ना, 1677216 में से 2 गया, मतलब 1677214, लो चेक कर लो, यही आ रहा है, बस ऐसे ही निकाल लेना। अब क्लास डी में 2 रेस टू द पावर 16 माइनस 1, क्लास बी इज नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट, होस्ट मतलब नेटवर्क बिट्स आर 16, पक्का ना, यस सर, 16 माइनस प्रायोरिटाइज्ड बिट, क्लास बी में ये 2 बिट प्रायोरिटाइज्ड है, ये लो माइनस 2 माइनस रिजर्व नेटवर्क। आप देख लो, क्लास ए के अंदर 0 एंड 127 रिजर्व थे ना, है ना, और क्लास सी के अंदर 169254 रिजर्व होगा ना, आया ना, क्लास सी के अंदर तो यही चीज हुई ना रिजर्व, एक सिंगल नेटवर्क ही है रिजर्व, तो कर दो फिर माइनस 1, 2 रेस टू द पावर 14 माइनस 1 वुड बी 32768, नहीं 16383 ये बनेगा, ठीक है। और अब इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए, फिर 2 रेस पावर 16 माइनस 2 मतलब इतने ही आएंगे, और फिर दोस्त क्लास सी के अंदर 2 रेस टू द पावर 24 माइनस 2 माइनस 0, कोई भी नेटवर्क रिजर्व नहीं है क्लास सी का, वुड बी 2 रेस टू पावर, सॉरी 2 रेस पावर 24 माइनस क्लास सी के अंदर 3 बिट्स रिजर्व है, 3 बिट्स प्रायोरिटाइज्ड है, सॉरी
2 raised power 21, which would be? Very good. अच्छा याद हो गया जल्दी. पीछे देख के बताया होगा. Class C, 2 raised to the power 8 minus 2 would be 254. That's it or not? बस. अब देखो दोस्त, क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर वेरी लेस बट द होस्ट पर नेटवर्क आर वेरी मच. क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर हैव इंक्रीज्ड बट द होस्ट पर नेटवर्क हैज बीन डिक्रीज्ड. एंड हियर नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैव बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग बट द नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आर डिक्रीज्ड लाइक एनीथिंग एज़ वेल. यस तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट ऑल वी हैव अबाउट द बेसिक्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग. ठीक है. Then tomorrow we will be doing a subnetting and VLSS, right? Yes, and sir. Also we will see about the subnet mask tomorrow. Clear? Yes, sir. That's it. Sir.